Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to create a radio button in HTML. HTML में radio button कैसे बनाते हैं, इस पर यह वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे Notepad++। अगर आपके पास Notepad है तो वहाँ पर भी आप कोडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप Notepad++ को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद यहाँ से नया पेज ले लेता हूँ मैं न्यू पे क्लिक करके। अब हमें यहाँ पर कोडिंग करनी है। यहाँ लिखेंगे डॉक टाइप, यानी डॉक्यूमेंट का टाइप क्या होगा वो HTML होगा। तो यहाँ लिख देते हैं HTML, क्लोज करेंगे, नीचे आएंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे HTML। HTML लगाने के बाद फिर टाइटल, टाइटल हमारा है रेडियो बटन, तो यहाँ रेडियो बटन दे देंगे। ये कैपिटल रखेंगे रेडियो बटन, और यहां पर इसको कर देंगे क्लोज टाइटल को, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहां पे हम हेड ले सकते हैं और हेड को भी यहां पे क्लोज कर देंगे। हेड पे चाहे तो आप कुछ लिख सकते हैं। अगर मैं यहां पे HTML वेब पेज डिजाइनिंग या कुछ लिख देता हूं, HTML लिख देता हूं, HTML, ठीक है, और इसको हेड को क्लोज कर दीजिए आप यहां पे। और हेड को क्लोज करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेंगे बॉडी, ठीक है। अगर आप बॉडी पे कलर लगाना चाहते हैं तो कलर लगा दीजिए, मैं फ़िलहाल नहीं लगाना चाहता तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर्म टैग, मैंने ले लिया फॉर्म टैग। इसके बाद नीचे आएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट योर जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट योर जेंडर। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ लगाएंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, तो यहाँ पे इनपुट टाइप लिखेंगे हम, इनपुट टाइप, सॉरी इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू रेडियो, चूंकि हम रेडियो बटन बना रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे रेडियो। इसको क्लोज करेंगे, सॉरी, और बटन तो हमने कर लिया। अब यहां पे नेम क्या देंगे इसको, इस रेडियो बटन को, नेम इज इक्वल टू, हम यहां लिख देंगे ग्रुप वन, यहां लिख दिया ग्रुप वन। इसको क्लोज कर देंगे। यहां पे आएंगे वैल्यू क्या देंगे इसकी, वैल्यू जो है उसे हम दे देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू, पहला दे देते हैं मेल, ठीक है, और दूसरा दे देंगे फीमेल। तो यहाँ पे मेल दे दिया हमने, इसको कर देंगे डबल नोटेड कॉमा को क्लोज, और यहाँ ओपन भी करेंगे तभी तो क्लोज करेंगे, तो यहाँ ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमने दे दी मेल, ठीक है। अब ये मेल लिख करके कब आएगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे mail मेल, तब यहाँ मेल लिख के आएगा। इसके बाद हम लाइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ ब्रेक टैग लगा देंगे। ब्रेक टैग एक स्टैंडर्ड लोन टैग है, यानी सिंगुलर टैग है, यानी कि एम्पटी टैग है। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखिए बड़ा आसान है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे आप, फ़ायदा क्या होगा आपको, थोड़ी सी चेंजिंग करके आप लिख पाएंगे। यहाँ कंट्रोल भी कर देता हूँ मैं, यहाँ ग्रुप वन था, ठीक है, ग्रुप वन ही रहेगा। करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेंज बस हम करेंगे, यहाँ पे मेल के जगह फीमेल कर देंगे, फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे भी कर देंगे हम फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, बहुत ही आसान। अब हमें क्या करना है, नीचे आना है, सबसे पहले फॉर्म को, फिर बॉडी को, फिर HTML को क्लोज करना है। फॉर्म क्लोज करिए, बॉडी क्लोज करिए, और HTML को भी अब क्लोज कर दीजिए। बहुत ही इजीली ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको कर लीजिए सेव। तो सेव करते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर .html लगाना ज़रूरी है, तो मैं इसको नाम देता हूँ रेडियो .html। तो .html लगाना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखें। ओके प्रेस कीजिए,
अब इसको रन करवाने का टाइम है। देखिए यहाँ पे आ गया होगा, ये देखिए लिख के आ गया है। इसको राइट क्लिक करते हैं, हम इसको गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ पे आया है राइट योर जेंडर। अब इसमें एक तब्दीली हमें और लानी है, हम चाहते हैं ये जेंडर जो है ये अलग लाइन में हो, उसके नीचे वाली लाइन में मेल हो। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम पे जाएंगे, जो प्रोग्राम हमने लिखा है इस प्रोग्राम पे आएंगे, और इसको हमने नोट पैड प्लस प्लस में ओपन करना है, तो नोट पैड प्लस प्लस यहाँ है हमारा। और ये जो है ना राइट योर जेंडर, इसके बाद भी हम लगा देंगे ब्रेक टैग। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ से मैं इसको रन करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि राइट योर जेंडर जो है और यहाँ पे मेल फीमेल, ये दोनों रेडियो बटन है, इसमें से कोई एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ मिडल में आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने लिखा है इसको बस सेंटर कर दीजिए, ठीक है। इसको सेंटर कर दिया हमने, और यहाँ पे सेंटर टैग को क्लोज करेंगे, सॉरी यहीं पे क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्लोज करते समय क्या होता है, यहाँ पर हम बैक स्लैश देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया, और यहाँ पे इसको कर दीजिए सेव। आइए अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल और फीमेल सेंटर में आ गया है, जैसे ही मैंने सेंटर लगाया। आप इसको हटाना चाहते हैं तो वापस वहीं जाइए और ये सेंटर हटा दीजिए। जैसे ही सेंटर आप हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं, और यहाँ पे जो लगा है इसको भी हटा देता हूँ। जैसे ही आप सेंटर हटाएंगे ये फिर वापस किनारे चला जाएगा, ठीक है। सेव करता हूँ इसको, देखिए। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये काम हम कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको बोल्ड करना, ठीक है, या हेड वाला पोर्शन, देखिए हेड वाला पोर्शन है, ये जो HTML लिखा है ना आपने, ये हेड पे जो लिखा है वही है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इसको, मैं सेव करता हूँ, मैं दिखाता हूँ फिर। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बोल्ड, यानी ये बोल्ड टैग है, गाढ़े में आ जाएगा, ये जो राइट योर जेंडर है ये गाढ़े में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे और सेव कर देंगे, और देन वापस रन करवाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से गाढ़े में आ चुका है और यहाँ पे मेल फीमेल आ रहा है। आई होप की बात समझ में आई होगी कि कैसे हमें रेडियो बटन क्रिएट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।